श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए उपाय आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं, साथ ही गुरुजी की जो कथा है उसका कथा सार बताने का प्रयास करते हैं। गुरुजी के द्वारा प्रयागराज में 12 फरवरी और 13 फरवरी 2024 में 2 दिन के लिए शिव चर्चा प्रयागराज में रखी गई है, जो कि सतुआ बाबा शिविर में होगी। अग मेले के अवसर पर त्रिवेणी संगम में ये 2 दिवसीय शिव चर्चा होगी। पर आज हम आपको गुरुजी के द्वारा पिछले वर्ष की 30 जनवरी 31 जनवरी में प्रयागराज में सतुआ बाबा के शिविर में हुई 2 दिवसीय त्रिवेणी शिव चर्चा की सभी विशेष उपायों की जानकारी एक वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं। इसके कुछ उपाय ऐसे भी हैं जो शायद आपने अभी तक ना किए हों, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। इसके साथ ही आपको कल माघ मास का 4 फरवरी रविवार का दिन है, एक विशेष उपाय की जानकारी भी आपको इसी वीडियो के अंत में प्राप्त होने वाली है, जो कि आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। हैं शिव चर्चा की पहली जानकारी की ओर। हमें महादेव से कुछ मांगने के लिए नहीं जाना चाहिए, हमें सिर्फ महादेव के पास जाकर बैठ जाना चाहिए। और जब हम हमारे माता पिता गुरुजन परमात्मा के पास जाकर बैठ जाते हैं तो हमें उनकी कृपा प्राप्त होती ही है। बढ़ते हैं अगली दूसरी जानकारी की ओर। साथ ही गुरुजी ने बताया था प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में टक्षेश्वर महादेव का विश्व में एक ऐसा मात्र मंदिर है जहां पर आप केवल कुछ क्षण के लिए भी बैठ जाते हो तो टक्षेश्वर महादेव आपको कितने प्रकार से विष से और ताप से दूर कर देते हैं और अपना बना लेते हैं। अगली तीसरी जानकारी की ओर। आज भी टक्षेश्वर महादेव के मंदिर में टक्षेश्वर कुंड है जहाँ पर तक्षक नाग ने बैठकर तप किया था और इतना तप किया था कि जमीन भी गलने लगी थी। तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें दर्शन दिया और कहा, तक्षक तुमने मेरा अनुमोदन किया है और मेरे शिवलिंग यहाँ पे रहेगा और इस शिवलिंग को लोग तुम्हारे नाम से मतलब तक्षेश्वर महादेव के नाम से जानेंगे। और जो व्यक्ति अपने जीवन में कितना भी पाप किया होगा उसके जीवन में कितना ही दुख दर्द तकलीफ होगी वो मेरे दर्शन मात्र से समाप्त हो जाएगी। अब ये मंदिर आपको दरिया पाक मोहल्ले में यमुना नदी के तट में मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगले चौथी जानकारी की ओर। जो शंकर भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाता है, पोछा लगाता है, निर्वाल उठाता है या फिर भोलेनाथ के मंदिर में जा रहा है तो उसे देखकर अगर कोई हंस देता है तो हंसने वाला व्यक्ति अपना जीवन बर्बाद तो करता ही है पर वो अपनी 7 पीढ़ियों को भी कष्ट में डाल देता है। ते हैं अगली 5वीं जानकारी की ओर। यदि आप शिवालय जा रहे हो तो इनमें से एक चीज जरूर करें। पहला, मंदिर में आप झाड़ू लगा दो, वहाँ की सफाई कर दो। यदि ये भी नहीं कर सकते, एक लोटा जल चढ़ा दो। अगर ये भी नहीं कर सकते तो शिव मंदिर की साफ सफाई कर दो, वहाँ पे निर्वाल उठा दो। बेलपत्र पड़ी हो, फूल पड़ी हो, किसी के पैरों में ना आए तो वहाँ से उठाकर आप उनको एक तरफ कर दो। और यदि आप ये भी नहीं कर सकते तो 3 बार ताली बजा दो। अगर ये भी नहीं कर सकते तो बम बम भोले बोल दो। अगर ये भी नहीं कर सकते, शंकर भगवान के मंदिर के शिखर का दर्शन करते हुए निकल जाओ। अगर आप शिखर दर्शन भी नहीं कर सकते तो मंदिर को देखते हुए स्माइल करते हुए मुस्कुराते हुए चले जाओ, ऐसे में भी आपको भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती ही है। बढ़ते हैं अगली 6वीं जानकारी की ओर। कल है 4 फरवरी और दिन है माघ महीने का रविवार का, तो इस दिन किया जाने वाला गुरु जी का बताया गया विशेष उपाय लेकर आए हैं जो कि आपको वीडियो के माध्यम से भी देखने को मिलेगा ताकि आप आसानी से समझ सकें। कल आपको सुबह के समय सबसे पहले सूर्य नारायण भगवान को एक तांबे के कलश से जल अर्पित करना है, अर्घ देना है। अब आप ध्यान से समझिएगा, आपको अपने घर के रसोई घर में जो आप पानी भर के रखते हो उस पात्र में से आपको अपने तांबे के कलश में जल ले लेना है और इसके बाद सूर्य भगवान को अर्घ देना है। सूर्य भगवान को जब आप अर्घ देंगे तो आप अपनी आंखें खुली रखिए और जो जल की धार रहेगी वो जल की धार में से आपको सूर्य नारायण भगवान के दर्शन करना है। ओम सूर्याय नमः मंत्र का भी स्मरण कर सकते हैं, आप ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का भी स्मरण कर सकते हैं। दोनों हाथों से कलश का जल आपको धीमी धीमी धार से छोड़ते जाना है, अर्घ देते जाना है और वही जल की धार में से आपको सूर्य नारायण भगवान के दर्शन करते जाना है और ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम सूर्याय नमः मंत्र का स्मरण करना है। जब आप सूर्य भगवान को जल अर्पित करेंगे तो नीचे आपको एक पात्र रख लेना है ताकि वो जो जल गिरेगा वो उस पात्र में गिरेगा। और यदि आपको उस जल के छींटे लगते हैं तो उसका कोई दोष नहीं है, तो ऐसा मत सोचिए कि आपके पैरों में सूर्य भगवान को जब आप जल चढ़ा रहे हो तो छींटे लग रहे हैं तो उससे हमें दोष लगेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है।
अब इसके बाद वो तांबे के कलश से आपने जल दिया है, वही तांबे के कलश में आपको अगले दिन जो सोमवार का रहेगा उसी तांबे के कलश के अंदर अगले दिन आपको जल भरना है। उस तांबे के कलश को आपको धोना नहीं है, उसी के अंदर आपको अगले दिन सोमवार के दिन जल भर लेना है। ये उपाय उन लोगों के लिए है जिन लोगों को त्वचा रोग संबंधित कोई बीमारी है, समस्या है, आपके चेहरे पर दाग धब्बे हैं, पिंपल्स हैं, या फिर आंखों के नीचे काले घेरे हैं, या फिर सफ़ेद चमड़ी पड़ रही है, या फिर काली चमड़ी पड़ रही है, या चेहरे पर किसी भी प्रकार के दाग हैं, या त्वचा संबंधित कोई भी बीमारी है, अगले दिन सोमवार के दिन वही तांबे के कलश के अंदर आपको जल भरकर शिव मंदिर पहुंचाना है और शिवलिंग पर आपको जल अर्पित करना है। ध्यान रखिए, शिवलिंग पर जब हम किसी विशेष चीज़ के लिए जल अर्पित करते हैं तो हमेशा 5 जगह पर जल अर्पित किया जाता है। सबसे पहले जल आपको गणेश जी के स्थान पर अर्पित करना है, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर अर्पित करना है, फिर जो बीच अशोक सुंदरी माता का स्थान है वहाँ पर अर्पित कीजिएगा, फिर गोलकटी भाग में जल अर्पित कीजिएगा, अंत में पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर धीमी धीमी धार से अर्पित करना है। जब आप जल अर्पित करेंगे तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और साथ ही शूल टंकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। शूल टंकेश्वर महादेव का नाम त्वचा संबंधित बीमारियों के लिए, रोगों के लिए लिया जाता है, तो शूल टंकेश्वर महादेव का नाम स्मरण जरूर कीजिएगा। इसके बाद जलाधारी से आ रहे जल को अपने जल कलश के अंदर झेल लेना है और उस जल को जहाँ पे आपकी सफ़ेद चमड़ी है, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है, जहाँ पे आपको स्किन संबंधी समस्या है, वहाँ पर आपको उस जल को लगा लेना है। जब आप जल लगाएंगे तब भी आपको शूल टंकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए लगा लेना है। कम से कम आपको 5 रविवार सोमवार इस उपाय को करके देखना है और इसके बाद आप देखेंगे आपकी जो त्वचा है, चमड़ी है, वो अपने असली रंग में आना शुरू हो जाएगी। गुरु जी का बताया ये बहुत ही विशेष उपाय है। इस उपाय से संबंधित कुछ पत्र गुरु जी के पास भी आए जिनसे उन्हें लाभ देखने को मिला है। अब बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो कल माघ रविवार के दिन आप इस विशेष उपाय को कर सकते हैं। जब आप शिव मंदिर जाएं तो शिवलिंग जहां पे स्थापित होती है, जहां पे विराजमान होती है और जहां पे अशोक सुंदरी माता का स्थान है, बीच में जो लाइन है वो अशोक सुंदरी माता का स्थान है। जब आप ध्यान से देखेंगे तो जो अशोक सुंदरी माता के स्थान है और शिवलिंग जहाँ पे विराजमान है, उन दोनों के बीच में खाली स्थान होता है। वो खाली स्थान में 64 योगिनियाँ, अष्ट सिद्धियाँ, 9 निधियाँ विराजमान होती हैं। बहुत ही विशेष स्थान माना गया है वो। शिव महापुराण के अनुसार आपकी जब कोई विशेष मनोकामना होती है तो उस स्थान पर आपको अपने सीधे हाथ से स्पर्श करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। इसके बाद अपने मन की कामना बोलना है और फिर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल देना है। फिर उस हाथ का स्पर्श आपको अपने हृदय में और अपने मस्तक पे कर लेना है। ये उपाय आप कभी भी कर सकते हैं। पर कल माघ महीने का रविवार का दिन है तो कल भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, साथ ही आप सोमवार के दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं। आप कभी भी किसी भी दिन इस विशेष उपाय को कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा और सरल उपाय है, जैसा कि आप वीडियो में देखकर भी समझ सकते हैं। आज के इन उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा।